हमेशा लोगों के हकों की आवाज़ बुलंद कर अते सरकार दीयां नीतियां ते खास नज़र देखो हर खबर अपडेट पंजाब न्यूज़ ते। आम चौरासी के शमशान घाट में नौजवान की लाश मिलने का समाचार प्राप्त होया है। मृतक नौजवान की पछाण बलबीर राम उर्फ निक्कू पुत्र मोहन लाल पिंड फंबिया जिला हुशियारपुर के तौर पर हुई है। मृतक की लाश के मुंह चो झग निकल रही थी। सूत्रों के अनुसार शाम चौरासी में नशे का काम जोरों से चल रहा है और इसकी मौत का कारण भी नशे की ओवरडोज मनिया जा रहा है। बाकी असली मौत का कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। इस संबंधी पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लाश का पोस्टमार्टम करके बारसा वाले लाश कर दी गई है और 174 की कार्रवाई करके जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हाँ जी सर, जी लाश मिली है सवेरे, ये की मसला आया सवेरे कोई साढ़े सत्तों सू बंदा दस आया चौकी की एक लाश जी अननोन बंदे की बाबे शामी शाह मंदिर के सामने एक शमशान घाट उ पड़ी हुई है। जो अभी जाके देखा उ मुंडे के मूँह से झग निकल गई जी डैथ हो चुकी पता किया। आंढ़िया गुआढ़ियों तो पिंडा पता किया तो पता लगा भी फंबिया का मुंडा जिसका नाँ है बलबीर राम के दादा नाँ है सोहन लाल अजय कुआरा से 26 साल की उम्र यदि माता के बयान से अभी 174 की कार्रवाई की है। उन्होंने दसिया भी 27 तरीक घरों कोई 7 बजे निकले अपने काम का नाइया का काम करता से करे रात वापस ही घर आया फिर तुर के काम करता से नाइया का जी मौत है इदा लगता भी जी कोई नशीली चीज खाने नहीं पोस्टमार्टम कराया है बिखरे वे भेजी हुए ने उन्होंने रिपोर्ट आने टाइम लगे। अपडेट पंजाब डेली न्यूज लिए पत्रकार दीपक मट्टू की खास रिपोर्ट। पिंड कंधारा जट्टा थाना टांडा जिला हुशियारपुर की बिमला राणी पत्नी परशोत्तम लाल 22/11/20 तो घरों बाहर गई पर वापस नहीं आई। लापता हुई बिमला राणी के पति ने दसिया कि बिमला की उम्र 45 साल है जिसका कद 5 फुट 2 इंच रंग साफ शरीर पतला है। संबंधी पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। अगर किसी को भी यह मिले तो 73473-42240 नंबर से संपर्क किया जाए या नज़दीकी पुलिस स्टेशन संपर्क किया जाए।